यू सो मच। बाय मैनी। वाह, अगर इसको मैंने खून पीने दिया ये देखो कितने सारे घुस गए। ओ ओ गांव में खुल गया अपना होम स्टे। तो आप लोगों को दिखाता हूँ दूसरा रूम। Welcome back to Rai Couple Channel from Pamling. Yes guys, from Pamling. और आप लोग Pamling का vlog चाहते थे तो Pamling का vlog आने वाला है। Pamling का vlog आने वाला है। Hope so आप लोगों को ये vlog अच्छा लगे। आप लोगों ने बोला लंबा vlog बनाओ तो लंबा vlog बना के डाल रहे हम लोग। So be with us and stay with us and you will have fun. Yes. तो व्लॉग को शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं अध्ययन के स्कूल में और यहाँ पे मेला लगा हुआ है तो स्पेशली वही देखने आए हैं। उसने बोला कि आना जरूर आना। ये रहा उसका स्कूल। चलो काका के स्कूल चलते रहे। काका के स्कूल आए हम लोग। आ चुके हैं हम लोग अध्ययन के स्कूल में और ये रहा अध्ययन। यहाँ है हमारी वाइफ तेरी अनु, दूध लेके खड़ी है। पापा जी है यहाँ पे। मेला हो रहा है इधर। मेला में डांस करोगे अध्ययन? तो गाइस यहाँ पे मोमोज बन रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बन रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे कूपन कट रहा है। कूपन कटने का यहाँ पे गेम खेलेंगे हम लोग। जाओ कूपन लेके आओ अध्ययन, जल्दी जाओ। तो यहाँ गेम हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ यहाँ गेमिंग जोन है, एक से एक बढ़कर गेमिंग जोन है। गाँव के स्कूल में पढ़ नहीं पाया, अगर मैं पढ़ता तो बहुत मजा आता। जैसे यहाँ पे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जल्दी चला गया था गांव से तो पढ़ा नहीं। इधर बड़ा मिस कर रहा हूँ। इधर देखिए हैपनिंग कितना लग रहा है, बच्चों के कलर्स वलर्स बहुत सेक्सी लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। इट्स नाइस। आज का वेदर भी बढ़िया हो रखा है। तो गाइस अभी यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करेंगे। कूपन आ गया, कूपन आ गया गाइस, कूपन आ गया। गेम खेलेंगे अध्ययन टूट पड़, क्योंकि सारा गेम जीत गया मेरे भाई। समृद्धि से फाइनली मिला था भाई, समृद्धि से मिल गया। चलो यहाँ पे फर्स्ट गेम खेल रहा है अध्ययन। लेट्स सी उसका लक कैसा चलता है। नंबर आपका नंबर 15। सो गाइस अगर जो बंदा जीतेगा तो वो देसी मुर्गा मिलेगा उसे, वो देसी मुर्गा होगा। और तुम जीते भी क्या? क्या जीता हूँ, देख रहा हूँ भाले जीते हैं। तभी मेरे सपने में आया था ये आया था। इसमें तो पालू पर्चा ला गया था भाई। दिल्ली ले जाना पर्चा। दिल्ली लेके जाओगे इसे मैं? कम ऑन रोनाल्डो, मोमो दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा था बट अंदर से अदरक का टेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा था और मैदा ही बहुत थिक था। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक ही था मोमो। गाइस मैं यहाँ पढ़ तो नहीं पाया बट बड़ा मजा आया। होप सो कभी दोबारा आऊंगा, फिर वापस यहाँ एंजॉय करूंगा। ईशा ने न्यू फ्रेंड्स बना लिया है हमारे। ये तो देखे ना, ए शर्मा शर्मा उदय ना, ये यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल ये हमारा यूट्यूब चैनल हो। ए रेज बनू ना, क्यों नाम थी? प्रसीना लेपचा। लेपचा प्रसीना लेपचा है तुम्हारो यूट्यूब चैनल देख छा तुम्हारा था चाहिए ना हमारा राय कपल कर सर्च कर लो राय कपल। सो गाइस हम हैं बुधवारे में। बुधवारे का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
हमारे श्यामा का घर है, ये श्यामा का हमारा क्यूट सा बेटा एक और, एक से तो मिला दिया है आदित्य, आए तो बोल दे, ये रहा हैंड से मेरा भाई, ये हमारी श्यामा। श्यामा हेलो, अदिन कौन है वो पीछे कौन है, है आयुषी, अरे आयुषी के पास भी स्पाइडरमैन वाला है ना, और तेरे पास भी है ना अध्ययन, अरे वाह, अरे वाह अध्ययन वेरी गुड, देखो कितना अच्छा अध्ययन। चलो देवसी खेलने चलते, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ बाहर क्या क्या चल रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ, पूजा वूजा हुआ था, और देखो यहाँ घर को कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है, दिस इज वेरी नाइस। पीटो पीटो थोड़ा सा और लागे, पीटो पीटो पिटनू पर्चा, हाँ यस यस। सो गाइस ये है, ये राइस को आटा जिससे बनेगा सेल रोटी, राइट, हाँ तभी इतना टेस्टी सेल रोटी बनता है, क्योंकि सब कुछ यहीं पे करते हैं। ये बुधवारे है, श्यामा का घर है, जहाँ पे लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था कि आप लोगों को काका के घर जाऊंगा, तो यही है काका का घर। श्यामा, श्यामा बोजू है, श्यामा बोजू नमस्ते नमस्ते। तो गाइस ये श्यामा बोजू है, थैंक यू सो मच श्यामा बोजू। और आज बहुत ही ब्यूटीफुल दिन निकला हुआ, धूप है बहुत प्यारा सा, वरना थोड़ा अभी तक तो बादल ही बादल थे ना, अब जाके बढ़िया लग रहा है। और ये टोपी मेरे को देना थोड़ी देर के लिए, मैं पहनूं क्या, अब लग रहा है बढ़िया, देखियो इधर से आजा। सो गाइस इस टोपी को पहन के मुझे वैसे ही अच्छा लगने लग गया है, आई एम फीलिंग गुड, फीलिंग प्राउड, जय गोरखा। और ये रही मेरी बीवी जो ऊपर से कमेंट्री कर रही थी, क्या बोल रहे थे बताओ बताओ, क्या बोल रहे थे तो? मेरे पे सूट कर रहा है ना, मैं ले लू एक, खरीद लेता हूँ, वहाँ गाँव वहाँ पहन के घूमूंगा। ओह माय गॉड, विद गिटार आया मेरा भाई, खेलो खेलो भाइयों, चलो वो बैग लेके घूम रहा, उस बैग में क्या है, ओहो भाई इसको तो देखो, ये देखो सारे भाई है, चलो स्टार्ट करो। थोड़ा जोर से, देवसुरे देवसुरे देवसुरे। सो गाइस ये है यहाँ का कल्चर, यहाँ देवसुरे खेलते हैं, और उस दिन भैली नहीं हुआ था, एक टाइम होता गर्ल्स खेलते और एक टाइम बॉयज खेलते, तो ये बॉयज का टाइम चल रहा है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा आगे वीडियोस में कि भैली नहीं क्या होता है और देवसुरे क्या होता है, स्टे ट्यून विद अस। देवसुरे देवसुरे। सो गाइस ये है कल्चर, अब ये रुकेंगे गाना गाना, ये इसको काम हो पैसा टिपने को और इसको काम हो पैसा रखने को है। अध्ययन, अध्ययन ने सबसे कम गाना गाया इस लड़के ने, बनू के नाम हो तिम्रो, सक्षम धेरै राम्रो नाम हो तिम्रो, सक्षम धेरै राम्रो गिटार बजाउँछ यार, गाना पनि धेरै राम्रो गाउँछ तिमीहरू, भन्नु तिम्रो नाम के हो भाई, के फेशल, अरे वाओ नाइस नेम, नेक्स्ट आदर्श, कुशल, अजमल, अवियन, नाइस, अरे तो वही हमरो अध्ययन हैं, बोलेगा नहीं, माय नेम इज अध्ययन, बहुत बढ़िया, मैं ताली बजाऊंगा तुम लोगों के लिए फोन छोड़ के, ठीक है, वेल डन। सो गाइस मैं बड़ा मिस कर चुका हूँ ये लाइफ में अपने, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, तो आई मिस दिस ऑल फन, बट इट्स ओके, आई एम एंजॉयिंग दिस टाइम इनके थ्रू एंड बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। एक और ग्रुप आ गया देवसिरे खेलने के लिए, और ये रहे मेरे भाई लोग हैंडसम्स, ये देखो, अरे वाह देवसिरे, देखो रेस, देवसिरे खेलोगे आप, आपको भाई लेनी खेलने पड़ेगा, गर्ल्स भाई लेनी खेलते, स्माइल कर रहे हो आप, देवसिरे देवसिरे, और सेम, और श्यामा को सेम, सबको पूजना पड़ेगा,
सेम प्रोसेस है सबके लिए। कैसा लग रहा पापा जी आपको? वो बस बता रहा है चिपलो बाटो, मतलब रास्ता चिपलो है, देव सिरे बोलना पड़ता है। अनु अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? बुधवार से हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। क्षमा से मिलके बहुत अच्छा लगा। क्षमा फिर मिलेंगे, बाय बाय क्षमा। यहाँ आदित्य मेरे भाई, चल बाय मेरे भाई। तो अब दोबारा मिलेंगे इनसे और शायद दिल्ली में मिलेंगे। कब आएंगे दिल्ली? अब विंटर छुट्टी में आएंगी क्षमा बोल रहे, तो दिल्ली में मिलेंगे क्षमा के साथ। बाकी गाइज अब हम पैमलिंग जा रहे हैं, फिर पैमलिंग में स्टे करके हम लोग दार्जिलिंग जाएंगे। यस सो गाइज हम जा रहे हैं जुगे और वहाँ है हमारा झरना। जुगे क्या है बताओ तो लोगों को। जुगे एक कीड़ा होता है जो खून चूस लेता है, काफी लोगों को पता होगा। उस जगह का नाम ही जुगे। हाँ उस जगह का नाम ही जुगे। बट वहाँ पे एक झरना है, वहाँ पे जाके सुबह नहाएंगे, ब्रश करेंगे। वहाँ पे एक होम स्टे भी बना रखा है बहुत अच्छा मामा लोगों ने, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और आप लोग यहाँ घूमने आ सकते हो पैमलिंग में। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली आना है कफेर, आना है कफेर, बहुत अच्छा जगह, वहाँ घूमो। कफेर से आपको टोटल लगेगा 20 मिनट्स मैक्स, 20-25। डेली वाले कैसे आ सकते हैं? डेली वालों के लिए तो देखो आपको पहले ट्रेन या प्लेन से आपको आना पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी या बागडोगरा एयरपोर्ट, फिर वहां से आपको गाड़ी लेके सिलीगुड़ी से कफेर बोलना पड़ेगा। हाँ कफेर में आप स्टे भी कर सकते हो, वहाँ होटल्स भी है, आप यहाँ पे आके भी स्टे कर सकते हो। यहाँ होम स्टे है, अंदर की तरफ भी एक और होम स्टे बना रखा है, तो वहाँ पे आप आ सकते हो। तो आना, ट्राई करना, इधर आना, बहुत ही नेचुरल चीज है एकदम। झरना वरना एकदम अभी फ्रेश है, आइसोलेटेड है। जिन लोगों को पसंद है कि आइसोलेशन में जाना, एकदम इंजॉय करना है, यू मस्ट कम हियर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, भूलना मत, पैमलिंग गाँव है हमारा, एंड सपोर्ट अस एज मच एज यू कैन। Love you so much. Thank you so much. Be with us. Beautiful, देख रहे हो? This is very beautiful. How are you feeling, baby love? Feeling good. इतने साल बाद गांव आके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा भूल गई हूँ। हम लोग प्लान करते थे ना? हाँ हाँ। तो रिकॉल करना चाहती हूँ। थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा थोड़ा याद है। अच्छा, रिकॉल करो, आज रिकॉल करना पड़ेगा। गाइज जूगे वूगे बहुत ज्यादा इधर, तो ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे पैरों में चढ़ेगा। देखो ये रखो, दो एसी को जाड़ पीन ऊपर पीछे, जाड़ ढूंढो एसी को बंचा। सो गाइज ये रहा, यहाँ आके आप स्टे कर सकते हो। तो ये दो जगह है, रास्ता देख सकते हो, बहुत ही सेक्सी है। जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। देखो यहाँ पे डिश टीवी भी लगा हुआ है, सारे सब कुछ आप लोगों को फैसिलिटी मिलेगी इधर। मैं आपको अंदर का जो है मैं बाद में दिखाऊंगा, फिलहाल आप बाहर से देख लीजिए। कुछ इस तरह से है जुगे में रहने की जगह। लेट्स गो। झरने की आवाज आ रही होगी आपको, वो रहा देखो झरना यहाँ से दिख रहा है। सो गाइस ये रही बालकनी इसकी, और वो रहा झरना, वो यस ये रहा हमारा झरना। ये सारा जो भी है जगह, ये मामा का है हमारा, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा यहाँ बना हुआ है। तो गाइज यहाँ पे ना आप लोग नोटिस करना है, चलने की जगह बहुत अच्छी दे रखी है ना, तो चल सकते हो आप आराम से यहाँ पे। नहीं नानू काई काई है, थोड़ा सा ना पकड़ के चलो, तो जहाँ काई होगा आपको ये पकड़ के चलना है, वरना स्लिप होके गिर भी सकते हो। तो भाई दुर्घटना से देर भली, आराम से चलो, रब की मेहर भली, मेहर होनी चाहिए रब की। सो गाइज ये रहा झरना, और पहुँच के आप लोगों को क्लोज से और दिखाता हूँ मैं आप लोग। पीछे अनु है, हाय अनु, कैसा लग रहा है अनु? इट्स लुकिंग गुड, मजा आ रहा है। मैंने बताया था ना हमारा झरना है अपना, देख लो ये रहा झरना। हाँ। है ना? अरे पापा जी आ रहे, पापा जी कहाँ हो आप? पापा जी कहाँ रह गए हमारे? पापा जी शायद फोटो खींच रहे, बोले पापा जी है वहाँ पे। कैसा लग रहा आपको ये जगह पापा जी? बहुत डिसेंट प्लेस है ना, मेमोरियल भी। यस पापा जी, स्मरणीय। चलो पापा जी आ जाइए। रहना ले बेटा यो के, बहना ले जूरा यो के, द झरना पेबलिंग। और वो रही ऐश्वर्या वहां पे, वो हिसाब किताब करते हुए कैसे जाना है क्या करना है। मैं यहाँ झरने पे खड़ा हूँ, झरने का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत मस्त लग रहा है, स्लिप हो रहा है। बैठ
ये नहाने की जगह है गाइस, बट मैं यहाँ नहीं उधर नहाना चाहता हूँ, जो बड़ा वाला झरना है सीधा पानी माथा टेकना है, क्या है फोर्स में माथा टेकना है। अच्छा अच्छा पापा जी आप रुकिए थोड़ी देर, आपका जूता उतारना पड़ेगा पापा जी आपको। तो गाइज मैं आप लोगों को दूसरा झरना दिखाता हूँ जो ट्रैक करके जाना पड़ेगा मुझे थोड़ा जंगलों से। फाइनली पापा जी वहाँ पहुँच गए, यहाँ से चल के आए पूरा आराम से पापा जी। तो गाइज इस रास्ते से मुझे जाना है ट्रैक करके, आई एम द एक्सप्लोरर। तो मेरी वाइफ और बाकी सब यहीं चिल कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। अनु भी है वहाँ पे वाइफ, बेबी आप भी मुँह हाथ धो लो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सो गाइज मैं यहाँ से जा रहा हूँ ट्रैक करता हुआ। मैंने ना पहले भी वीडियो शूट किया है कई बार, बट मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया, मुझे नहीं पता था कि व्लॉग भी बनाना होता है इन चीज़ों का, बट मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिल रहा है तो मैं ट्रैक करके ही जाऊंगा और आप लोगों को झरना दिखाऊंगा। जो देख दूर से दिखाया था ना मैं आपको पास से दिखाऊंगा, और मैं उसमें नहा चुका हूँ एक बार। ठीक है थोड़ा रास्ता यहाँ पे, थोड़ा रास्ता वैसा है कि आपको हाथ पैर सब कुछ यूज़ करना पड़ेगा। तो आप लोग बोलते रहते हो लंबा व्लॉग बनाओ, ये ला लंबा व्लॉग, इसमें एडवेंचर है, फैमिली है, सब कुछ है इसमें, ठीक है, और जूगेपन ही है। तो गाइस गांव में ऐसे आवाज लगाते एक दूसरे को, मुझे रास्ता पता नहीं है, मैं बस गट्स फीलिंग में वॉक कर रहा हूँ। कीड़ा देखो ये राजू के, अगर इसको मैंने खून पीने दिया ये देखो कितने सारे घुस गए। ओ ओ जूगे, अभी देखो कहाँ ऊपर चढ़ रहा है। तो गाइस ये रहा जूगे, ये बहुत खून चूस के मोटा हो जाएगा, और मेरे चप्पल में भी होगा, चप्पल में नहीं है। गाइस यही होता है एडवेंचर, सैक्रिफाइस करना पड़ता है कुछ चीज़ों का, यहाँ पे अपना खून को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जूगों को खिलाना पड़ेगा, बाकी पूरा जंगल है तो जूगे तो होगा ही होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो गाइस जूगे लग गया था 7-8 कम से कम, और रास्ता आप देख ही सकते हो थोड़ा टफ है। मैं इन परिस्थितियों में पैदा हुआ था बचपन में, और इन साइड से मैं हमेशा से एडवेंचरस हूँ, मेरी एक छोटी सी बेटी है, स्टिल आई डू एडवेंचर। मैं अपनी बेटी को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ लाइफ में, मेरी बेटी रुकना मत, एडवेंचर ज़रूर करना लाइफ में, डोंट स्टॉप, ट्रैवल एज मच एज यू कैन, बी विद नेचर, बी विद everything। so guys this is the journey of paddling, dekh lo, hope so aap log acha dikh raha hoga, mujhe juge ne kaat waat liya lag raha kahin kahin pe, it was worth coming here, last time maine wahan pe nahaya tha jahan ped laga hua hai, to aaj bhi main wahin pe thoda server gila karunga, niche ja ke nahunga, kyunki sab bol rahe the ki yahan pe mat rukna zyada, mere ko papa ji mana kar rahe the, to main rukunga nahi yahan zyada, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ तक आया हूँ। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, लाइक वाला बटन दबा दो प्लीज़, लव यू सो मच। वाह तो यार स्लिप हो गया तो सीधा नीचे खाई है भाई, नो ऑप्शन, यू कांट डू मिस्टेक हियर, बहुत स्लिपरी है भाई, बहुत स्लिपरी। कस्तो मजा है रे लैभा, रमैलो उकाली ओ राली, मजा लेंगे अभी थोड़ी देर। मेरे मामा तो यहाँ साइड से चढ़ के ऊपर तक चले जाते हैं, मामा अभी आए नहीं, वरना मैं भी ऊपर तक जाता उनके साथ, वहाँ पे जाके भी नहा सकते हो आप ऊपर एकदम, यहाँ बहुत चिल्ड पानी है, मज़ा आ जाएगा नहाने में। वो रास्ता जिससे हम आए हैं यहाँ से देख सकते हो आप लोग, तो इट्स अ प्रीटी गुड ओवर हियर। वो चलाएगा
तो गाइस ये हमारे मामा हैं, देखो 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 सब जानते हो, ये देखो झूका, देखो आगे भी आगे तो ऊपर भी दिखाओ। ओ भाई साहब झूका देखो ना, उधर अरे मामा अरे बाप भाई मामा कस्तूरी गोरे गो गाइस इसे कहते हैं जुगा, जो मेरे पैरों में लगा था देख को तो बाखरा गोइन तो बाखरा कोता को ये तो गो अच्छा सब छोड़ देंगे इससे हैं। तो गाइस ये दवाई है मामा, किस चीज कैसे बनता है ये दवाई, कस्तूरी बन बनिन से ये दवाई नमक छ इसमें की अच्छा खाई ना क्या ही खाई ना खाई नहीं खाई नहीं हो अच्छा। तो गाइस खैनी से इलाज है इसका रामबाण खत्म खत्म, वो देखो ना यार कितना है, मर जाते ना खत्म नहीं कौन था यो बारे सामान बहुत जुप रखे था। ये देखो ना यार गाइस यहाँ पे हर चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे वाटर इसका नाम है पेमलिंग वाटर हिल्स, और नीचे देख सकते हो कितने खर्चे हुए, 18,51,333 रुपए इस पे लगाया गया है कॉस्ट है इसकी। ये सब ममता बनर्जी जी की देन है इस जगह को ये सब बनाने में, बाकी और इसमें काम होना है। अगर प्लीज़ कोई हमारा देख रहा है व्लॉग तो सपोर्ट करो पेमलिंग को और इसे जितना हो सके ब्यूटीफुल जगह बनाया जाए, राइट मामा? हाँ यस फॉल्स निकलियो, हाँ निकलियो हाँ। मुँह तक फॉल्स फॉल्स सभी कर हाँ। तो गाइज ये रहने के लिए जगह है, यहाँ पे नेपाली बोले तो बस नुको ठाउ सीमेंटेड बनाया हुआ है, उसके ऊपर टीम लगाया हुआ है, लकड़ी का काम है प्रॉपर ये है। अरे वाह अरे वाह 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 हजूर बा का फोटो हजूर बा, देखो यहाँ से फॉल्स व्यू है। सो गाइज यहाँ पे वॉशरूम है और ये है अपना ब्यूटीफुल हट्स, दिस इज वेरी नाइस। सो गाइज नीचे भी है रहने की जगह, मैं आप लोगों को नीचे का दिखाता हूँ, और बहुत ही ऊपर देख लिया होगा ना आपने, सुविधा सारी दे रखी है, टीवी तक दे रखा है ना, वॉशरूम है आपके पास पर्सनल, आराम से यहाँ पर आके चार पांच लोग तो बस सा हो ना ऊपर, पांच छह जने आराम से सो सकते हो अपने, मतलब ऐसा नहीं कि सब आ सकते, दोस्त यार आओ मस्त रहो ब्यूटीफुल रहो। जो लोग मेरे दोस्त ये व्लॉग देख रहे हैं भाई जल्दी प्लान करो मेरे साथ पेमलिंग आने का, आप लोगों को दिखा दिया स्टे करने की जगह, यहाँ आएंगे रात भर बैठेंगे, यहीं पार्टी करेंगे, यहीं इंजॉय करेंगे, यहीं बॉनफायर करेंगे, सारी सुविधा अपने यहीं पर ही है, क्या कहते हो एकदम है ना? तो प्लान करो भाई जल्दी से, अपने गाँव में खुल गया अपना होम स्टे। तो आप लोगों को दिखाता हूँ दूसरा रूम, ये थोड़ा प्राइवेट पर्सनल रूम है, ये सीमेंट से बना के इसके ऊपर टीन लगाया गया है राइट कुछ जगह पे, और लकड़ी का काम है, ये देखो यहाँ पूरा प्रॉपर बेड, ये देखो काफी अच्छी तरीके से देखो बेड लगा हुआ है, यहाँ पे भी आराम से चाहे तो तीन तीन जने दो बेड में सो सकते, छह जने रह सकते, और यहाँ पे भी बेड लग सकता है, तो पूरे 10-12 जने आके 15 जने आके आराम से चिल कर सकते हैं ना, क्या कहते हो एकदम ना दामी। और ये रहा वॉशरूम है, यहाँ पे ये रहा वॉशरूम, सब सुविधा है, गीजर लगा हुआ है, सारी लाइटिंग वाइटिंग सब बढ़िया है एकदम, लाइटिंग वाइटिंग सब बढ़िया एकदम बेहतरीन। सो गाइज आप लोग देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से बनाया है, कितना मस्त लग रहा है, और ये जंगलों के बीच में एकदम आइसोलेटेड जगह है, और ऐसी जगह आप लोगों को पता चिल करने में क्या मजा आता है, और ये यहाँ का पर्सनल व्यू है जो कि यहाँ का फेवरेट व्यू है, वो है झरने का व्यू, यहाँ से आप सीधा लुप्त उठा सकते हो झरने का, या फोन में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ओ देखो झरना बह रहा है यहाँ से, आवाज तो आ रही है, अभी थोड़ा धुंध हो गया एकदम से ना, तो झरने का व्यू है यहाँ से, बाकी ये बालकनी भी है यहाँ पे मस्त भाई, बहुत बढ़िया जगह। तो भाई मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो होप ट्राई करूँगा कि अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाऊं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ चिल करें बैठ के, तो बाकी आप लोग भी आइए अपनी फैमिली के साथ आके रह सकते हो, आप लोग एकदम सेफ जगह हैं, लोग आप लोगों को पता है पहाड़ी लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आप जब मन करे आप लोग आ जाओ,
यहाँ पे बस थोड़ा सा जुगा का टेंशन है, उसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ खैनी वैनी रख लो, हल्का सा डाल दो, ठीक रहता है। हम लोग पूरा घूमे, कोई जुगा ने हमें इतना परेशान नहीं किया। थोड़ा बहुत होता ही है, जंगलों में जाओगे तो कीड़े मकोड़े होते हैं, इसी को एडवेंचर कहते हैं, राइट। तो आना कभी यहाँ पैमलिंग, प्लीज विजिट पैमलिंग। आई रियली लव दिस प्लेस एंड आई रियली रिकमेंड यू गाइज टू कम हेयर एंड एंजॉय विद योर फैमिली, है ना, एंड विद योर फ्रेंड्स। सो फॉर पैमलिंग गाइज, यहाँ पे किचन है, आप लोगों को खाने के लिए सारी फैसिलिटी है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये किचन है गाइज, ये देखो, बैठ के खा सकते हो आप, हैंड वॉश, और ये खाना खाने की जगह, इधर भी वॉशरूम बना रखा है, वो देख सकते हो। वॉशरूम की पूरी सुविधा है एकदम, आप लोग कभी भी आओ तो आपको वॉशरूम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे सारी सुविधाएं दे रखा है। तो गाइस देख रहे हो, मेरे घर में टैलेंटेड लड़का है अभी जो ये बना रहा है, और माई जू भर रही है। आज के दिन स्क्वैश है, और देखो उसका मुंह बन के तैयार। अरे वाह क्या शेप है, माई जू तपे ले रहा जानू पर चला देखा मैं लगता तपक गए बने तो मो मेरो भी हमरो उता को बिजनेस तो दुगना चल छा होला। अभी तेरे को भी ले जाऊंगा मैं अभी बेचारा बोला मैं साइज लेके पढ़ाई कर रहा हूँ अरे मेरा भाई तो मामा और पूजा कर रहे हैं मामा। ये हमारा घर है जहाँ पे पूजा चल रहा है, और ये देखो बछड़ा एक छोटा सा, और गाय की पूजा कर रहे हैं मामा। ये मेरी बहनी ईशा हो, कस्तो लागदे छ ईशा तलाई? गुड 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 लागदे छ। ये हजुरआमा को बहुत प्यार करते हैं ना हजुरआमा गाय? तो गाइस हजुरआमा गाय को बहुत प्यार करती है, और गाय हजुरआमा को बहुत प्यार करती है, तो दोनों के बीच में एक प्यार वाला बॉन्ड है, दैट्स यू कैन सी दैट। वैसे हजुरआमा आप ऐसी हो, सब आपको प्यार करते हैं। तो गाइस लक्ष्मी माता का पूजा हो रहा है गांव में, जय जय लक्ष्मी माता की जय हो। अरे मामा और रेस हैविंग देयर ओन टाइम एवरीबॉडी। सो गाइस सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, एंड प्लीज दिवाली को एंजॉय करो जितना हो सके, बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपने फैमिली के साथ, लव्ड वन के साथ, and be happy and spread love and do good things in your life. Love you so much, thank you so much. ab pooja karenge fir milenge aap logo se. pooja chal raha hai. yeah hajra pura seed laga raha hai hajra, thank you so much. bhagya mani pehle tika lagayo to bhagyavani ho, thank you. aao हजुरआमा को ड्रेस हो, हजुरआमा तपाईं धेरै राम्रो लाग्दै छ दिवाली को दिन। और दिवाली के दिन गाइस देख रहे हो बारिश हो रही है, एकदम दामी बारिश हो रही है ना, भन्नुहोस् हजुरआमा। नहीं राम्रो लाग्छ, दीपावली के दिन बारिश हुँदैछ, तो मैले फर्स्ट टाइम देखेको, राम्रो लाग्दैछ, डिफरेंट फिलिङ हो हामी यहाँ हामीहरूलाई। यस हजुरआमा ले धेरै सुन्दर लाग्दैछ, हजुरआमा तपाई ब्युटिफुल हो। चीयर्स, हैप्पी दिवाली। एक ही हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, मेरा जीवन कोरा कागज कोराई रह गया। Mal
सूरे। तो गाइस यही खेलने के लिए आए हम लोग, जय सूरे टू एवरीवन। आहाय सांस के तेजी ब्रो, आहाय जो गौने परले, आहाय जो सिमो पैलो, आहाय जो आहाय परले, आहाय एक जाना मेरा, आज जो जाना मेरा, आहाय ये घरवा। तो कहीं ये देवसूर्य चलता रहेगा रात भर, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। और पहली बार गांव में आके देवसूर्य खेलने का मौका मिला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। तो कहीं देवसूर्य खेले रहा हमी और नीचे आ कुछ है ना, और ये अमीरो को हजुरामा और फैमिली हो ये पनी। और गाइस मेरो नेपाली कस्तो लागे छ भन्नु मलाई, म धेरै इम्प्रुभ भएको छु। और तिमी अगर तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो त म नेपालीमा ब्लग पनि बनाउँछु। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट, इस तरह मलाई प्यार और मोहब्बत दिनु, लव यू ऑल। आहे राते बपरला देव सूरे, आहे जमाई हो देव सूरे, आहे देव से भई बोला देव सूरे, आहे गुन्ना है परदे देव सूरे, आहे गुन्ना है परदे देव सूरे। पापा जी आप पहली बार देव सूरे मना रहे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा, नयापन है, अच्छा नई चीज देखने को मिल रही है, नया संस्कार मिल रहे हैं लोगों के। जैसे अपने यहाँ तो दिवाली हर बार मनाते हैं, आज यहाँ की दिवाली को अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं, कहीं क्या है आपस में लोगों का प्रेम भाव, और इस तरह से दिवाली मनाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही जो माहौल है बेटर है, लोग पॉल्यूशन करते हैं थैंक यू पापा जी वो छोड़ के, यहाँ जितने प्यार मोहब्बत आपस में लोगों में देखने को मिल रही है बहुत अच्छा। यस यहाँ प्यार मोहब्बत बहुत है। सो गाइस यहाँ प्यार बहुत बहुत ज्यादा है, वो प्यार मोहब्बत का फायदा उठा रहे हम लोग और मोहब्बत ही मोहब्बत फैला रहे और मोहब्बत फैलाएंगे लाइफ में। सो गाइस इस व्यू के साथ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ब्रेकफास्ट आज का, फैमिली से हम लोग निकलने वाले हैं दार्जिलिंग और आप लोग उस दार्जिलिंग में मिलते हैं। बाकी बहुत ही रोमांचिक टूर रहा हम लोगों का, राइट है ना माजू? धीरे मजा आयो, थैंक यू। बाकी बहुत ही मजा आया, बहुत डांस किया, बहुत फन किया, होप सो आप लोग इस वीडियो में मजा भी आया होगा। अगर मजा आया तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना। नए व्लॉग में फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। आप लोग मिलेंगे न्यू व्लॉग में अब हम, राइट, दार्जिलिंग में। तो टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, प्लीज बी विद अस।